खाना बनाने का शौक अक्सर महिलाओं में पाया जाता है और महिलाओं को कुकिंग में बहुत आनंद आता है। लेकिन आज कुछ छोटी छोटी बातें आपकी साधारण खाने को टेस्टी बना सकती है और आपकी किचन को स्पेशल। तो आइए जानते हैं बेस्ट कुकिंग टिप्स। एक, बैंगन और टमाटर को कभी भी पहले से काटकर फ्रिज में न रखें, इसे ये खाने लायक नहीं रहते। ऐसा करने से इनकी ज़रूरी नमी चली जाती है, इन्हें ज़रूरत पड़ने पर ही काटें। दो, सॉफ्ट इडली बनाने के लिए चावल उड़द दाल को भिगोते वक्त उसमें 1/4 कप साबूदाना मिलाएं। जब दाल चावल भीग जाए तब उसे पीस लें। तीन, अगर अदरक की स्किन मोटी है तो उसे छीलने के लिए चाकू से नहीं फोक या स्पून का इस्तेमाल करें। चार, क्रिस्पी पूरी बनाने के लिए आटा टाइट गूंदें। यदि आटा नर्म हो गया है तो 30 मिनट के लिए फ्रीजर में रखें। पूरी बेलने के बाद तेज गर्म तेल में तलें, पूरी क्रिस्पी बनेगी और तेल भी कम सोखेगी। पाँच, यदि आपको किसी कच्चे सब्जी या फल को जल्दी से पकाना चाहते हैं तो इसे आपको एक सेब के साथ पेपर बैग में डालें। सेब इथाइलिने नामक अम्ल का उत्सर्जन करता है जो पकने की प्रक्रिया को तेज करता है। छह, चावलों को कीड़ों से बचने के लिए आप उसमें नमक डालकर रखें, इसे चावल अधिक समय तक सुरक्षित रहेंगे। खाने में अगर नमक तेज हो जाए बस 5 चीजें याद रखें। 1, आलू छिलकर डालें। 2, गूंधे हुए आटे की लोई। 3, दही। 4, दूध की मलाई। 5, नींबू का रस। ऐसा करने से सब्जी का स्वाद बना रहेगा। भिंडी काटने में भी काफी समय लगता है। अगर आप चाहती हैं कि सुबह बच्चों का टिफिन बनाते समय आपको लेट ना हो, इसीलिए रात में ही अच्छी तरह धोकर पानी सुखाकर काटकर नेट बैग में रखकर फ्रिज में रखें। इससे आप 4 से 5 दिन तक इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। 9, पत्तेदार सब्जियों को हमेशा पेपर में ही लपेट कर रखें, इससे इनकी नमी बरकरार रहती है। पेपर नहीं है तो पतले कॉटन के कपड़े में भी लपेट सकती हैं। 10, जो महिलाएं खड़े होकर पानी पीती हैं उनके घुटने समय से पहले खराब हो जाते हैं, इसलिए जब भी पानी पीना हो तो बैठकर ही पानी पिए। 11, गुलाब जामुन बनाते मावा में मैदा की बजाय उसमें गेहूं का आटा मिलाकर गूंध लें, इसे स्वाद एक जैसा ही आएगा। 12, चावलों को स्वादिष्ट और खुशबूदार बनाने के लिए बनाते समय उसमें थोड़ा सा दालचीनी पाउडर या दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा डालें। 13, फ्रिज में रखे रखे आटा टाइट हो गया है तो नमक मिले गुनगुने पानी में 10-15 मिनट तक रखें, नर्म हो जाएगा। 14, लोहे के तवा को नॉन स्टिक तवा बनाने के लिए सबसे पहले आप एक प्याज को काट कर उसमें चाकू ऊपर से लगाकर या कांटा के चम्मच की मदद से प्याज को तेल में डालकर अच्छी तरह से कोट करें तवा को। इस तरीके से आपका तवा बन जाएगा नॉन स्टिक तवा। 15, अगर चाय में अदरक डालने के बाद भी स्वाद नहीं आ रहा है तो बस सौंफ, सूखे संतरे के छिलके, दालचीनी, इलायची डाल दें, इससे आपकी चाय स्वादिष्ट बनेगी। 16, सब्जी में अगर खट्टापन ज्यादा हो गया हो तो उसमें 1 टीस्पून शक्कर मिलाएं, खट्टापन कम हो जाएगा। 17, चीज केक या पनीर जैसे नर्म खाद्य पदार्थों को चाकू के बजाय आप उस डैन फ्लास के साथ काटने की कोशिश करें, इससे वो अच्छे से कटेंगे। 18, केक को अच्छे से काटने के लिए गर्म पानी में कुछ समय के लिए डूबा हुआ चाकू इस्तेमाल करें। चाकू को पहले पोंछे और फिर केक काटे, हर स्लाइस के लिए दोहराएं। 19, अगर मिक्सचर को साफ करना मुश्किल हो सकता है, आधे ब्लेंडर जार को डिशवॉशर की कुछ बूंदों डालें और उसमें गर्म पानी से भरें। इसे 10 से 15 सेकंड के लिए चलने दें, अच्छी तरह धो लें। 20, सिंक कई बार बहुत अधिक चिपचिपा हो जाता है, ऐसे में इसे आप साफ करने के लिए गर्म पानी का यूज कर सकते हैं। साथ ही व्हाइट विनेगर डालने से भी सिंक आसानी से क्लीन हो जाता है। फिर आप बेकिंग सोडा डालकर इसे साफ करें, सिंक बदबू भी नहीं आएगी और चमक उठेगा। 21, किचन के ओवन को इस्तेमाल करने के बाद फौरन साफ कर दें, ऐसा करने से उसकी महक निकल जाएगी और कॉकरोच जैसे कीड़े भी उसमें जमा नहीं होंगे। 22, अगर आप एक ही तरह की मेयोनेज खाकर हो चुकी हैं बोर तो प्लेन मेयोनेज में चिली सॉस, हरी चटनी या बारीक कटा पुदीना धनिया मिला लीजिए, ऐसा करने से आप नए फ्लेवर का स्प्रेड तैयार कर लेंगी। मुझे उम्मीद है कि आज के कुकिंग टिप्स और ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे, इसलिए कमेंट, लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और स्वस्थ रहें, खुश रहें।